नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने डेली के राशिफल में। रोज़ की तरह आपके साथ हाजिर होता हूँ, बात करता हूँ आपके साथ आपके आने वाले दिन के बारे में। तो चलिए फिर कल की बात कर लेते हैं। कल रहेगी 8 तारीख, राहु काल रहेगा 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ दिशा रहेगी उत्तर। मेष राशि से शुरू करूँ, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ सीएल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोनों चैनल्स को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेष राशि की बात कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा आपका, रिलैक्स मूड में कल दिखाई देंगे। कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी को आपने पैसा दिया हो और अचानक से कल वो आपको पैसा दे जाए, तो इससे आपके चेहरे की रौनक जो है वो बढ़ जाएगी। थोड़े से छोटे से यात्रा के योग भी कल दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि की बात करूं तो थोड़े से एक्स्ट्रा रिलैक्स में दिख रहे हैं आप। एक होता है रिलैक्स होना, एक होता है ज़रूरत से ज़्यादा लेज़ी होना। तो कल लेज़ी होते हुए कल आप दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें आर्गूमेंट हो सकते हैं। कल पत्नी के साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाए हैं शायद आप उन प्लान्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको कल दिखाई दे रही है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो जो आर्थिक फ्रंट है कल अच्छा है, लेकिन कुछ चुप चुप रहने की स्थिति कल बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो स्थिति आपके लिए बेहतर है दोपहर तक। अगर आप कल चुप रहते हैं कुछ दोपहर तक, तो शाम तक, शाम को स्थितियाँ आपके पक्ष में आती हुई कल दिखाई दे रही हैं। शाम को कल लग रहा है कि आउटिंग के लिए बाहर जा सकते हैं और कुछ खर्चा कल कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करूं, मेहनत का दिन रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, और उसी से आप अपनी सारी समस्याओं का हल कल करते हुए दिखाई देंगे। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में मन लगाते हुए कल दिखाई देंगे। हालांकि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें थोड़ा सा मन आपका इधर उधर होगा, लेकिन कुल मिलाकर दिन रहेगा अच्छा आपका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़ी कोई दिक्कत ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही है। सिंह राशि की बात करूं तो किसी फास्ट फ्रेंड से मुलाकात आपकी हो सकती है, या कहूं उससे बात हो सकती है। काम आसानी से बनेंगे, लेकिन चलते चलते कामों में बीच में रुकावट आने के योग कल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम होते होते तक सभी तरह की समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। कल मूवी देखने भी जा सकते हैं आप। कन्या राशि की बात करूं तो थोड़े से शारीरिक कष्ट होने के संकेत कल दिखाई दे रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए आप कल दिखाई देंगे। वहीं जो धन आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको और आगे कैसे हम बढ़ाएं, इस बारे में कल आप योजना बनाते हुए कल दिखाई देंगे। तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज जो आपको आपकी भागदौड़ जो रही, वो भागदौड़ आपकी आपकी कल रिलैक्स में कन्वर्ट होगी। कल दिन काफ़ी रिलैक्स रहेगा। कहीं ना कहीं जो आर्गुमेंट्स आज आपके हुए थे अपनी पत्नी के साथ या अपने घर वालों के साथ, वो कल दूर होंगे और परिवार में काफ़ी एकता का माहौल कल दिखाई देगा, और कल आप अच्छे मूड के कारण आप उन्हें कल बाहर कहीं लेके जा सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करूं तो दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी बढ़िया प्रभावशाली रहेगी। पुराने मसले जो है सुलझते दिखाई देंगे, बातचीत के दौरान सारी उलझने जो है वो सुलझ जाएंगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कल आपको नहीं आएगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। मित्रों से लाभ होता हुआ दिखाई देगा, हालांकि रूटीन जो काम है उनमें थोड़ा सा यहाँ पर अवरोध यानी कि ऑब्स्टिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन शाम होते होते तक सभी चिंताएं आपकी घटेंगी और काम में आपका मन लगेगा, काम में आपका मन जो है लगता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ा सा कोई काम करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। मकर राशि की बात करूं तो कुछ आपको आपकी जो वाणी है वो उग्र जो है वो रह सकती है, उग्र रह सकती है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि जोखिम से दूर रहें, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जो भी काम करें कल किसी के ऊपर रिलाय होकर ना करें, अपने बल पे करें। कुंभ राशि की बात करूं तो छोटी यात्रा के योग कल दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक डेट पर कल जा सकते हैं। लग्जरी थिंग्स की तैयारी खरीदारी करते हुए कल दिखाई दे रहे हैं, और महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आपकी हटती हुई दिखाई दे रही हैं, और जिससे ज्ञान के क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बढ़िया दिन आपका कल जाने वाला है।
मीन राशि की बात करूं तो जो सौदे आपने किए थे उनका लाभ आपको मिलेगा, उनकी कोई अच्छी प्रॉफिट आपको कल होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आपकी गुडविल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शाम को भी कल आपके काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ होने के योजन दिख रहे हैं, प्रयोजन दिख रहे हैं। वहीं सुख सुविधाएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और किसी भी तरह का टेंशन कल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों छोटा सा अवलोकन जो मैं आपको रोज करके देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और दोनों चैनल्स को, सीएल टेक को और अभिषेक पटना का पॉमिस्ट्री को, दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर्स पर हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और साप्ताहिक राशिफल ज़रूर देख लीजिएगा, वो मैंने आपको दे दिया है। देखने के लिए धन्यवाद।